हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक टॉपिक जो कि बहुत स्टूडेंट मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो डीएलएड के एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं, किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सबके माइंड में आता है कि जो डीएलएड में सब्जेक्ट्स हैं उसके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि अगर आप डीएलएड में हैं, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के उसमें पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क्स बताऊंगी कि आपके कौन सा सब्जेक्ट है जिसके आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसमें से आपके पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करूंगी, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट है कि जो प्रैक्टिकल के पासिंग मार्क्स हैं और जो थ्योरी के पासिंग मार्क्स हैं उसके क्या पासिंग मार्क्स रहेंगे, क्या हमें दोनों के जॉइंट करके पासिंग मार्क्स लाना है या दोनों के अलग अलग करके पासिंग मार्क्स लाना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी इस वीडियो में आज क्लियर होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पासिंग मार्क्स ऑफ डीएलएड ऑल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम ऑल सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क्स देखेंगे वन बाय वन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के जो पासिंग मार्क्स रहेंगे वो ओवरऑल 40% रहेंगे। ठीक है, आपका जब रिजल्ट बनता है तो वो ओवरऑल 40% का बनता है कि अगर आपके 40% है ओवरऑल तभी आपको क्या पास माना जाता है। अगर आप 40% से नीचे हैं तो फिर आप मतलब पास नहीं हुए, आप फेलिंग की कैटेगरी में हैं। तो अब बात आती है कि आप लोगों के हर सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, यानी आप लोगों के इतने सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं डीएलएड में उसके आपके क्या पासिंग मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे डीएलएड के जो आप लोग अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, और आप लोगों के जो एमपी डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट्स अलग हैं, यूपी डीएलएड के स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन है सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट का नाम बताऊंगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों का सब्जेक्ट इतने नंबर का है तो आप लोगों को उसमें से कितने नंबर लाना है तब जाके आप लोग पास होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका जो डीएलएड में सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का आप लोगों का कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि एमपी डीएलएड में कुछ एक दो सब्जेक्ट होते हैं 20 मार्क्स के, या तो फिर आपका प्रैक्टिकल भी 20 मार्क्स का होता है, तो आपको उसमें पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए। यहाँ पर मैं आपको अगर डीएलएड की बात करूँ, एमपी डीएलएड की, तो आपको 8 मार्क्स चाहिए। लेकिन इसके हट के हम देखते हैं कि कुछ जो अदर स्टेट के डीएलएड हैं तो वो 6 मार्क्स भी प्रेफर करते हैं पासिंग के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी स्टेट है उसके हिसाब से मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका 20 मार्क्स का पेपर होता है तो कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो 6 मार्क्स को प्रेफर करते हैं पासिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो एमपी में डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए 8 नंबर हैं पासिंग मार्क्स। तो अगर आपका 20 मार्क्स का कोई भी पेपर है तो उसमें से आप लोगों को 8 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपका 20 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आप लोगों को कितने नंबर लाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 और 8 दिया है, तो कुछ बोर्ड के जो डीएलएड होता है तो वो 6 मार्क्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ एमपी की बात करें, जो लोग एमपी से डीएलएड कर रहे हैं तो उनके लिए 8 मार्क्स लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। अब बात आती है 25 मार्क्स की। तो आप लोगों के बहुत से जो पेपर होते हैं वो 25 मार्क्स के भी होते हैं, जैसे अगर हम एमपी डीएलएड की बात करें तो उसमें जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हम योगा एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उस पर जाते हैं तो वो 25 मार्क्स का होता है। तो उस 25 मार्क्स में से आप लोगों को 10 मार्क्स लाना है पेपर में तभी आप जाके पास होंगे। यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ एमपी स्टूडेंट्स की बात। अगर हम अदर स्टेट में देखते हैं तो यहाँ पर वहाँ पर भी प्रिफर किया जाता है कि 25 में से हमें 10 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। तो अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट 25 मार्क्स का है, वेदर इट इज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल,
भले ही वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, तो उसमें आपको 10 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर 30 मार्क्स का पेपर होता है आपका, तो उसमें आप लोगों को 12 मार्क्स लाना है। तो 12 मार्क्स अगर आप लाते हैं 30 नंबर के पेपर में, तभी जाके आप लोगों को पास माना जाएगा। 12 के नीचे अगर आपके नंबर आते हैं तो वो आप फेलिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आप लोग डी एड के स्टूडेंट हैं, आपके पेपर आने वाले हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ माइंड में रखनी है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, उसके बाद आप लोग पासिंग मार्क्स के ऊपर की तैयारी करें। पहले हमको क्या करना है, हमें पास होना है। तो पास होने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि पासिंग मार्क्स क्या है उस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारे पासिंग मार्क्स बता रही हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ माइंड में रखनी है और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अब आते हैं हम लोग 40 मार्क्स के पेपर में। तो एमपी डीएलएड में तो 40 मार्क्स का कोई पेपर नहीं होता है अभी तक, आगे हमें नहीं पता कि हो भी सकता है, लेकिन कुछ अदर स्टेट में जो डीएलएड है या बीएड है, तो उसमें 40 मार्क्स का पेपर होता होगा और होता भी है। तो अगर आपको 40 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें आपको 16 मार्क्स लाने पास होने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा 50 मार्क्स का। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है टोटल, तो उसमें से आपको 20 मार्क्स लाना है, तभी जाके आप पास होंगे। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 17 लाएंगे या 18 लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों को 50 में से 20 लाना है, तभी जाके आप पास हो पाएंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल इससे बताती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मेरे पास रिजल्ट लेके आते हैं अपना, और बोलते हैं मैम हमारे 50 में से तो 18 आए हैं, 17 आए, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी फेल हैं, कि हम क्या करें। तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोगों का जो डीएलएड है वो आपका ओवरऑल 40% का है। तो इसमें आप लोगों के हर सब्जेक्ट में 40% काउंट किया जाएगा, कि आपके हर सब्जेक्ट में 40% आना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों के अगर 50 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें आपको 20 मार्क्स चाहिए। अगर आप 20 मार्क्स लाते हैं तभी जाके आपको वो पास करेंगे, अगर 20 मार्क्स से कम आते हैं तो आप फेल की कैटेगरी में ही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया दिया 40 मार्क्स का और 50 मार्क्स का। अब आते हैं 70 मार्क्स में। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका 70 मार्क्स का आता है टोटल, तो उसमें से आप लोगों को, यहाँ पर मैं एमपी डीएलएड के हिसाब से बताऊंगी, तो आप लोगों को 28 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। लेकिन कुछ अदर स्टेट के जो डीएलएड हैं, उसमें अगर आप 25 मार्क्स भी लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एमपी डीएलएड के स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपको 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये बात हो गई हमारे 70 मार्क्स के पेपर की। अब बात करते हैं हम 75 मार्क्स की, जो मोस्टली हमारा मैक्सिमम, जो भी स्टेट के हमारे डीएलएड है, जो भी स्टेट डीएलएड कराता है, तो उसमें 75 मार्क्स का जो पेपर होता है वो ज़रूर होता है। एमपी डीएलएड में भी आप लोगों के बहुत से सब्जेक्ट 75 मार्क्स के हैं। तो उस 75 मार्क्स में से आप लोगों को 30 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो अगर आपके 75 मार्क्स में से 30 मार्क्स आएंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर 30 से नीचे आते तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बार बार बता रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डीएलएड के हैं, उनके पेपर आने वाले हैं, और वो बार बार पूछते रहते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, हमें कितने नंबर लाना है पास होने के लिए। इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमको पासिंग मार्क्स कितने लेके आना है। तो अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का है, तो आप लोगों को उसको 30 मार्क्स लाएंगे उस पेपर में, तभी आप लोग पास कहलाएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। अब काफ़ी जो स्टूडेंट हैं, उनका जो पेपर रहता है वो 90 मार्क्स का भी आता है। तो अगर आपको 90 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें आपको 36 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये जो 90 मार्क्स का पेपर रहता है, वो एमपी डीएलएड में तो नहीं रहता है, लेकिन अगर दूसरे अदर स्टेट के डीएलएड में होता होगा, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर लिए। अगर आपका 90 मार्क्स का पेपर है, तो आपको उसमें 36 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद कुछ पेपर आप लोगों के, कुछ सब्जेक्ट 100 मार्क्स के भी होते हैं। तो अगर 100 मार्क्स का आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी मार्क्स बताए, ये सिर्फ थ्योरी के नहीं बताए, मैंने आपको प्रैक्टिकल के भी बताए। तो अगर आपका प्रैक्टिकल इनमें से कोई भी मार्क्स का होता हो, तो आपको कितने उसमें पासिंग चाहिए, ये प्रैक्टिकल के लिए भी है और थ्योरी के लिए भी है।
अब इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि MBA DLED या कोई भी DLED में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। अब एक और यहाँ पर मैं आप लोगों का डाउट है, जो बहुत बड़ा डाउट है और कन्फ्यूजन है, वो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगी। काफ़ी स्टूडेंट इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट समझते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर जोड़ के हम पासिंग मार्क्स लाएंगे तो हम पास कहलाएंगे। मान लिए अगर आपका जो थ्योरी है तो आप लोगों का 70 नंबर का है और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का है, तो आपका जो 70 में से जितने भी पासिंग नंबर होते हैं आपको वो लेके आना है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया है, 70 में से अगर आपके 25 या 28 नंबर आते हैं तभी आप थ्योरी में पास कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल उसका 30 नंबर का है तो 30 नंबर का पासिंग मार्क्स मैंने आप लोगों को कितना बताया था, 30 मार्क्स का होता है 12 मार्क्स, तो अगर आपको प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स आएंगे तब आप पास कहलाएंगे। ऐसा नहीं होता कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स अगर ऐड करेंगे तो आप पास होंगे, ऐसे तो सभी पास हो जाएंगे। नहीं, हमें थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, मतलब थ्योरी में हमारे पासिंग मार्क्स अलग होने चाहिए और प्रैक्टिकल में हमारे पासिंग मार्क्स अलग होने चाहिए। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखना है, आपको थ्योरी में भी पासिंग मार्क्स लाना है और प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है अब और इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी क्वेरी का जो आंसर है वो दे दूँगी, या फिर आपको उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और आगे की लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले।